एक नया आईपीओ एक ऐसे सेक्टर में जिसके बारे में लोग शायद थोड़ा कम जानते हैं। आज का फोकस है इंडिया की लीडिंग हीटिंग इक्विपमेंट में डील करने वाली कंपनी जेएनके इंडिया पे। मैस्कॉट कैपिटल एंड जेएनके हीटर्स इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स और प्रोमोटर हैं। आई एम आल्सो द वन ऑफ द प्रोमोटर्स। अच्छा, वन ऑफ द प्रोमोटर्स, यानी कि आपके अलावा भी और भी प्रोमोटर्स हैं। कौन है सर और प्रोमोटर्स? सी, इसमें मेजॉरिटी जो स्टेक है मैस्कॉट ग्लोबल का है, एंड इसके अलावा जेएनके ग्लोबल का भी शेयर्स है अभी। जेएनके हीटर एक कोरियन कंपनी है जो प्रोसेस फायर हीटर मैन्युफैक्चर करते हैं, और साथ में वो जेएनके इंडिया लिमिटेड के मेजर कस्टमर भी हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएनके इंडिया के बिजनेसेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और इसकी वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, एंड ऑफ कोर्स एंड में हम इस आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्टली, जेएनके इंडिया करती क्या है? जेएनके इंडिया साल 2010 में इंडिया में एस्टैब्लिश हुई। ये कंपनी मेजरली ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले हीटिंग इक्विपमेंट को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड इंस्टॉल करती है। ये अपने कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज हीटिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। साथ में इंडियन हीटिंग सोल्यूशन में इनके पास 27% मार्केट शेयर है। अब तक इनके 24 कस्टमर्स रह चुके हैं, इनमें से 17 कस्टमर्स इंडिया के हैं और बाकी के 7 अदर कंट्रीज से हैं। ऊपर से इनके क्लाइंटेल में काफी बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल, टाटा प्रोजेक्ट्स और राष्ट्र केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनकी डीलिंग मेजरली दो टाइप के प्रोडक्ट्स में है। पहला हीटिंग इक्विपमेंट, जिसके अंदर कंपनी प्रोसेस फायर हीटर्स, रिफॉर्मर्स और क्रैकिंग फर्नेसेस सेल करती है, और इन तीनों प्रोडक्ट्स को रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज में यूज किया जाता है। दूसरा फ्लेयर्स एंड इंसिनरेटर्स, जिनको रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज में एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है, ताकि इनमें से निकलने वाली एक्सेस हाइड्रोकार्बन गैस को रिमूव किया जा सके। इन प्रोडक्ट्स के अलावा कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है। इन प्रोडक्ट्स के यूज केसेस को डिटेल में समझने के लिए जेएनके के डीआरएचपी से डिटेल में रीड कर सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें पिंड है। अब हम इनके बिजनेस मॉडल को तो समझ गए, अब हम देखेंगे कि जेएनके की स्ट्रेंथ्स और इसकी वीकनेसेस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में। पहली है मार्केट लीडरशिप। जेएनके इंडियन हीटिंग इक्विपमेंट में न्यू ऑर्डर बुकिंग में लीडर है। कंपनी का कहना है कि वो इंडिया में वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस फायर हीटर कंपनीज में से एक हैं, और उनके पास अपनी इंडस्ट्री में लगभग 27% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। और प्रोसेस फायर हीटर्स मार्केट में एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा हैं, जिससे जेएनके अपनी मार्केट लीडरशिप को रिटेन कर पा रही है। दूसरा, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। जेएनके का बिजनेस पूरी तरीके से रिफाइनरी बिजनेस पे डिपेंडेंट है। अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स की डिमांड बढ़ रही है, ये बिजनेस भी बूम हो रहा है। साथ में 124 MMTPA कैपेसिटी के 18 रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का फिस्कल 2031 तक शुरू होना एक्सपेक्टेड है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी देखें, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कैपेसिटीज बढ़ी हैं। इससे प्रोसेस फायर हीटर्स के मार्केट में और भी ग्रोथ होगी। तीसरा, इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन। ओवर द इयर्स जेएनके ने अपने ऑर्डर सिर्फ एक इंडस्ट्री से मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई किया है। इससे उनको अपने मार्केट को एक्सपैंड करने में और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। सबसे पहली है कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर्स पे डिपेंडेंस। जेएनके के पास कई कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर्स हैं, मतलब कि वो कस्टमर्स जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। इनसे उन्हें लगभग 72% रेवेन्यू आ रहा है। अगर आगे इनके पास नए कॉन्ट्रैक्ट्स ना आए या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टूट जाते हैं, तो कंपनी पे फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ सकता है। दूसरा, ऑर्डर्स की गारंटी नहीं है। कंपनी को आगे कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, इनकमिंग ऑर्डर्स से जुड़े दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, पास्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स और करंट ऑर्डर बुक की ग्रोथ रेट। लेकिन इनसे हमें ये नहीं पता चलेगा कि जेएनके को फ्यूचर में ऑर्डर्स मिलेंगे कि नहीं, और आगे कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कोई डिले हो तो कंपनी उस प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से कम रेवेन्यू जनरेट करेगी।
तीसरा इंडस्ट्री हर्डल्स, अगर जेएनके के मेजर सेक्टर्स ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी गिरावट आई तो इनके ओवरऑल बिजनेस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस होंगे। जेएनके की स्ट्रेंथ और वीकनेस तो हम समझ गए, अब देखते हैं कि ये अपने पीयर के सामने कैसा परफॉर्म करता है। जेएनके का रिटर्न ऑन इक्विटी भेल से ज्यादा है, लेकिन नोट करें जेएनके से भेल का बिजनेस स्केल ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ जेएनके इंडिया का पीयर वैल्यूएशन यही खत्म हुआ। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स की तरफ एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये जो फिगर्स आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ओवर द इयर्स फिगर्स में इंक्रीज देखने को मिला है। 137.72 से लेकर ये फिगर 296.39 पे आया है फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और 407.3 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। साथ में प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है, 16.47 से ये फिगर बढ़ के 35.98 पे रिकॉर्ड हुआ एंड फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 46.36 पे रिकॉर्ड हुआ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। सबसे पहले नजर डालते हैं एबिटा मार्जिन की तरफ, तो यह है 18.05%, पैट मार्जिन है 11.38%, कंपनी का पीई है 42.96 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 38.91 का। कंपनी का ईपीएस है 9.66 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.28 का, जो कि काफी मैनेजेबल है। आरओसीई की बात करें तो ये 57.17% है। इस आईपीओ में आप ट्यूसडे 23rd ऑफ अप्रैल से थर्सडे 25th ऑफ अप्रैल तक बिड कर सकते हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 649.47 करोड़ रुपीस, इसमें 300 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और बाकी के 349.47 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल हैं। तो जेएनके इंडिया इन 300 करोड़ रुपए के साथ करेगी क्या? फर्स्ट, लगभग 275 करोड़ रुपीस जाएंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए और बाकी के पैसे जाएंगे जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जैसे मार्केटिंग और एक्विजिशन में। पिछले 3 सालों में जेएनके इंडिया की ऑर्डर बुक वैल्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। कंपनी को इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की पेमेंट अलग अलग फेजेस पे रिलीज होती है। इनके साथ जेएनके को बैंक गारंटी के फॉर्म में सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने कस्टमर को देना होता है। ये जनरली 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू होता है, इसलिए कंपनी पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए रेज कर रही है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएनके इंडिया का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी 0 है। एक बात याद रखें, किसी भी कंपनी का जीएमपी सिर्फ मार्केट में हो रही स्पेकुलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है, जीएमपी को एक्चुअल शेयर प्राइस कंसिडर ना करें। अब बात करते हैं इस कंपनी की इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ ओपन हो रहा है 23rd of April 2024 को, यानी कि आज। इसकी क्लोजिंग डेट है 25th of April 2024 और ये लिस्ट हो रहा है 30th of April 2024 को। इसका प्राइस बैंड है 395 से 415 रुपीस पर शेयर का और लॉट साइज है 36 शेयर्स का। इसका टोटल इश्यू साइज है 649.47 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 300 करोड़ का और बाकी ऑफर फॉर सेल है 349.47 करोड़ का। जेएनके इंडिया के लिए क्या आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड, कमेंट्स में बताइए हमें। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ये ड्यूटी है कि आप इन डेप्थ रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में जेएनके इंडिया का DRHP अटैच कर दिया है ताकि आपका रिसर्च आसान हो जाए। जेएनके इंडिया का ये आईपीओ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.